जालना रोड वर मुंडा नाका येथे वक बोर्डा की जागा काही व्यापारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांना अंधण म्हणून देण्यात आली आहे। मागील 15 वर्षांपूर्वी 100 कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा झाल्याचा आरोप एका पत्रकार परिषदेत MIMचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे। वक बोर्डा की जागा विधवा अनाथ आणि गरजू नागरिकांना द्यावी असे वक मध्ये नमूद केले आहे असे सुद्धा जलील म्हणाले। मुंडा नाका येथे वेगवेगळ्या कोट्यवधी मंडळींना असंख्य प्लॉट देण्यात आले आहेत। विशेष बाब म्हणजे या मालमत्तांची रजिस्ट्री करण्यात आली आहे। नियमानुसार वक बोर्डाची जागा लीज पद्धतीने देता येते। वक बोर्डाची एनओसी असताना महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलेले आहेत। या घोटाळ्यांमध्ये महापालिकेचे तत्कालीन अधिकारी, वक बोर्डाचे अधिकारी, रजिस्ट्री कार्यालयातील अधिकारी, तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी सामील असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे। या घोटाळ्यासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना निवेदन देण्यात आलं आहे। त्यांनी पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत। एका महिन्यात दोषांवर गुन्हे दाखल झाले नाहीत तर आपण 26 फेब्रुवारीपासून कार्यकर्त्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशाराही जलील यांनी दिला आहे। कैलाश बाफना को ये अलॉट की गई थी, लीज के ऊपर उनको लिया गया था। जो मुतवल्ली थे सैयद शाह कुतुबुद्दीन, ये मुतवल्ली थे। इन्होंने इलीगल तरीके से 99 ईयर्स के लीज के ऊपर कैलाश पेट्रोल पंप को दे दिया था, कैलाश बाफना को। ये शुरुआत से ही इसकी इलीगैलिटी इस वजह से है कि किसी भी मुतवल्ली को 99 ईयर्स के ऊपर लीज के ऊपर देने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जब जब जो भी बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड का बोर्ड बना, तो उसके अंदर सभी लोग इस तरह के आए कि सबने अपने अपने नाम के ऊपर मलिदा किस तरह से निकाला जाना चाहिए वो हिसाब से उन्होंने काम किया। ये जमीन कैलाश बाफना के पास कई सालों तक थी, लेकिन जब जालना रोड की जमीन की कीमतों आसमान चढ़कर बोलने लगी और औरंगाबाद के सबसे ज्यादा महंगी कमर्शियल जमीन, तो जब ये सबको पता चला कि जालना रोड की जमीन की कीमतों का रेट क्या हो गया है करके, तब है तो ये लोगों ने एक गेम प्लान रचा और उस गेम प्लान के तहत कि हम ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कैसे बेच सकते है, इसका इन्होंने पूरी तरीके से कागजात तैयार किए। उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने मदद की, ये आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है। पहले इन्होंने है तो एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया कैलाश बाफना साहब ने। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, औरंगाबाद।